हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। काशी किचन में आपका स्वागत है। आज हम ब्रेड का कटलेट बनाएंगे। देख लेते हैं इसका सामग्री। ब्रेड, पनीर, बॉयल मैश किया हुआ आलू, प्याज बारीक कटा हुआ, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, मूंगफली, सरसों तेल, नमक, जीरा, रिफाइंड ये अदरक लहसुन और मिर्चा का पेस्ट। ये कढ़ाई गरम हो गया है, अब हम इसमें तेल डाल लेंगे। तेल डाल लेंगे, उसके बाद मूंगफली को रोस्ट करेंगे हम। देखिए अच्छे से मूंगफली भुन गया है, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसमें अब हम एक छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और अच्छे से इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। देखिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसमें हम एक छोटी चम्मच अदरक लहसुन मिर्चा का पेस्ट डाल देते हैं और अच्छे से इसको चला लेते हैं। गैस के में मीडियम रखेंगे और इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देते हैं। गरम मसाला पाउडर डाल देते हैं और अच्छे से इसको मिला लेते हैं। 1 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और अच्छे से इसको चलाते हुए भून लेंगे। अब इसमें हम ये मैश किया हुआ आलू डाल देंगे, हम इसको भूनेंगे अच्छे से। आलू अच्छे से भुना गया है, अब हम इसको गैस को बंद कर लेंगे। अब इसको ब्रेड को चारों साइड का ऐसे कैंची से या चाकू से या हाथ से आप हम काट लेंगे। आराम से कट जाता है। ऐसे ही हम देखिए कितना आराम से कट गया। ऐसे ही हम सारा ब्रेड को काट लेते हैं। देखिए सारा ब्रेड काट लिए हैं। इसमें अब हम ये भुना हुआ मूंगफली डालेंगे और अच्छे से इसको मिला लेंगे। ऐसे उठाएंगे हम छोटा सा, ऐसे कर लेंगे। इसमें हम ऐसे पनीर को ऐसे डाल के ऐसे कर लेंगे, कटलेट के साइज के जैसा हम बना लेंगे। ऐसे ही हम सारे आलू को बना लेते हैं। देखिए हमने बना लिए हैं और इधर हम गैस पर कढ़ाई रख देंगे गर्म होने के लिए। अब हम ब्रेड लेंगे और पानी में अच्छे से इसे डिप करेंगे आराम से, सावधानी से, और दोनों हाथ से हथेलियों से ऐसे आराम से इसको इसका पानी निकालेंगे। इसे आराम से करेंगे ताकि टूटे नहीं, सावधानी से। और एक ये आलू वाला लेंगे और इसको हम ऐसे अच्छे से कोटिंग कर देंगे। इसको हम कटलेट का सेप दे देंगे। इधर से भी ऐसे अच्छे से हम बंद कर लेंगे और अच्छे से इसे दबा कर लेंगे। ऐसे ही हम सारे ब्रेड को बना लेते हैं। देखिए हमने ब्रेड का ऐसे कटलेट बना लिए हैं। अब हम ब्रेड का ये चारों साइड का काटे थे इसका हम ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं। सीजार में हम डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे।
देखिए कितना अच्छे से ये ग्राइंड हो गया है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। इसको अब इसको हम एक कटलेट उठाएंगे आराम से, और इसको हम ऐसे आराम से इसमें हम कोट अच्छे से कर लेंगे। ऐसे ही सारे को कर लेते हैं। देखिए हमने सारे कटलेट पर ऐसे कर लिए। अब इसको हम तल लेते हैं। कढ़ाई में हम रिफाइंड डालेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे, ज़्यादा लो नहीं रखेंगे। अब इसमें हम एक एक करके आराम से तल लेंगे। देखिए गोल्डन हो गया है। अब इसको हम आराम से निकाल लेते हैं। ऐसे ही हम सारे कटलेट को तल लेते हैं। सारे कटलेट्स बनकर तैयार हो गया है। गैस को बंद कर लेते हैं, इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए ब्रेड का कटलेट बनकर तैयार हो गया है। बनाइए और खाइए। अपने अनुभव काशी किचन में शेयर कीजिए। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन का घंटी ज़रूर दबाइएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।